हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल करेंसी टेक्निकल में। और फ्रेंड बधाई हो, 5 गुना फायदा हुआ है और भरोसा नहीं है तो साथ में प्रूफ भी देखिए। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले याद दिला दें, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लाते हैं हम डेली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स जिल्का कॉइन की, और जिल्का कॉइन जो मैंने बनाया था इसका सिग्नल जो दिया था मैंने फ्रेंड्स 20 मार्च को दिया था, और जो वीडियो मैंने बनाया था वो 2 मई को बनाया था, आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ पड़ा हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप में हमने ये जिल्का कॉइन का जो मैंने ओल्ड वीडियो बनाया था उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे प्रूफ आपको मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, स्कैम है कि नहीं, पोटेंशियल है कि नहीं, एक्सचेंज क्या है, रेट क्या है, रैंक क्या है, मिनिमम प्राइस प्रिडिक्शन क्या होने वाली है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे हम पूरी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्कैम की। तो फ्रेंड्स अगर हम स्कैम की बात करें तो स्कैम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है नो डाउट। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल भी, इसके पीछे बहुत अच्छी खासी टीम है, एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे इसके पीछे कारण हैं जो इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सचेंज की। आपको पता है फ्रेंड्स कि बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है लगभग, और बाइनेंस एक्सचेंज पर ये अवेलेबल है, उसके बाद बिटहम पर भी अवेलेबल है, बिट फॉरेक्स भी है, हाउवी है, अपबिट है, और भी बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं, ओकेक्स है, बहुत अच्छे अच्छे टॉप लेवल के एक्सचेंजों पे ये आपको जिल्का अवेलेबल है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इवन जेप्पे पर भी, इंडियन एक्सचेंज पर भी ये कॉइन अवेलेबल है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, एक्सचेंज की बात हो चुकी है, रैंक की बात करते हैं। रैंक 24 पर ये बिलोंग कर रहा है। आपको पता है कि 1600-1700 कॉइन है, अभी 1694 कॉइन लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप में, और 24 रैंक का कॉइन है, मतलब टॉप 100 जो भी रैंक रहता है, टॉप 100 टॉप 200 के कॉइन, उसमें रिस्की बहुत कम होते हैं। मतलब एक हम तरीके से कहते हैं कि एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इतने अच्छे अच्छे एक्सचेंजों पे ये अवेलेबल है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि रेट चार्ट क्या है। तो आप लोग रेट चार्ट देखिए, मैंने यहाँ पे ओपन किया है, जब मैंने ये वीडियो बनाया था यहाँ पर, जब मैंने सिग्नल दिया था आपको 20 मार्च को, तो अगर हम 20 मार्च को इसको INR में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट रहता है कि INR में आप बताइए, तो 20 मार्च को आप लोग रेट देखिए कि 3 रुपये के आसपास था फ्रेंड्स। और उसके बाद जो मैंने 2 यहाँ पे मई को वीडियो बनाया था तो यहाँ पर मैंने 7 रुपये हो गया था, तो यहाँ से आपको 2.5 गुना का प्रॉफिट लगभग आपको मिला था। मैंने वीडियो भी बनाया था उसके बाद में, यही वीडियो बनाया था, और आप उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर लगभग 13.5 रुपये लगभग 14 रुपये के आसपास गया है, और 3 रुपये पर मैंने सिग्नल दिया तो 3×5=15, लगभग आपको 4 से 5 गुना का प्रॉफिट मिला। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने 2 गुना पे सेल किया, हम जब 7 रुपये पे दिए थे वहाँ पर भी मैंने कुछ सेल किया था, और उसके बाद में मैंने ज़्यादा पे सेल किया था, 20-2200 सतोसी पे मैंने सेल किया था, मतलब 10 से 12 रुपये में। तो आपने सेल किया नहीं किया वो आपकी मर्जी है, टोटल आपकी चॉइस रहेगी, आपको कितना प्रॉफिट लेना है, 10% का लेना है, 1 गुना लेना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो यहाँ से आपको लगभग 5 गुना का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने रिकमेंड नहीं किया जिल्का पे, क्योंकि वहाँ पे बोल दिया था कि 2000 के ऊपर सतोसी जब भी जाएगा 10-12 रुपये पे, आप इसको 10 रुपये के ऊपर से मैंने सिग्नल देना शुरू कर दिया था, और सेल करने की भी बोला था, तो जिन लोगों ने सेल किया अच्छा खासा प्रॉफिट किया। अब यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर बाइंग प्राइस अभी मैं बताने वाला हूँ, और प्राइस में बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते बिटकॉइन में प्राइस बताना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि मिनिमम प्राइस प्रिडिक्शन इसकी क्या हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा सवाल है ये, तो मिनिमम प्राइस प्रेडिक्शन अभी यहाँ पे क्या होने वाली है, अगर हम मिनिमम प्राइस प्रेडिक्शन की यहाँ पर बात करें, और फ्रेंड्स अब अगर हम बाइंग प्राइस की बात करें, लेकिन उससे पहले अभी मैं वेबसाइट इसके विजिट करके आपको कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स हम इनकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ द हियर इज टू न्यू फ्रंटियर्स। उसके बाद में इनकी जो सबसे हमें खास बात लग रही है कि फास्ट, सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज, मतलब ये जो क्वाइन है ट्रांजेक्शन सभी फास्ट होंगे इसमें, और सिक्योर्ड भी बहुत ज़्यादा है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो ये सभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं डिसेंट्रलाइज के लिए, उनको ट्रांजेक्शन करने के लिए सेफ एंड सिक्योर्ड करने के लिए, और ये गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ये मेन फोकस करने वाले हैं। उसके बाद डिजिटल एडवर्टाइजिंग, जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है वो डिजिटल होंगे, और पेमेंट्स को लेन देन करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। और जो इनके मेन पार्टनर्स हैं वो बिटकॉइन सीसीज हैं, यहाँ पे DHSB हैं, आप देख सकते हैं ये पार्टनर जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद में इन द न्यूज़ फोर्स, और यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जिल्का का आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल मिल जाएगा, ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा, मतलब ये सोशल पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं।
और फ्रेंड्स अगर हम इसके यहाँ पे रैंक चार्ट की बात करें, रैंक रेट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने 20 मार्च के आसपास आपको बताया था यहाँ पर लॉन्च हुआ, फिर डिप में और यहाँ से यहाँ तक गया। और यहाँ पर क्यों गया, क्योंकि इसका मेन नेट कुछ आने वाला था, बहुत अच्छी खासी न्यूज़ थी, इसलिए यहाँ पर इतना स्पाइक अप हुआ और अगेन ये फुल डिप में है। अब हम सबसे खास बात करने वाले हैं कि इसमें बाइंग प्राइस क्या है और प्राइस प्रिडिक्शन क्या होने वाली है। तो हम चलते हैं, बाइंग प्राइस आपको बताने वाले हैं। अगर हम रुपए की बात करें तो 4 से 5 रुपए के बीच में आपको इंटर करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 से 5 रुपए के बीच में एंट्री लेना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तब भी आप 5 रुपए में बाई कर सकते हैं, नो डाउट। अभी बाइंग प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जैसे सतोसी की बात करें तो 800 से लेकर के 878 सतोसी है, तो इसके बीच में आप लोग बाई कीजिएगा 2-3 फेज में। और अब हम बात करते हैं कि प्राइस प्रिडिक्शन क्या होने वाली है। तो अगर हम सतोसी में बात करें तो 2000 सतोसी यहां से इजिली जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 2000 सतोसी इजिली जाएगा, मतलब 2x एकदम फिक्स है। और अगर हम INR की बात करें तो 10 रुपये से ज़्यादा जाएगा, 10 रुपये मिनिमम जाएगा। अगर आप बिड लगा देते हैं 10 रुपये की तो सेल हो जाएगा, लेकिन 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बिटकॉइन स्पाइक अप करेगा तो वहां से आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था बाइंग प्राइस, मिनिमम रेट चार्ट, रैंक, हर एक चीज़ आपको मैंने शेयर किया। अब आप लोग हमें बताइएगा एक चीज़ कि यहाँ पर आपने बाई किया कि नहीं किया, सेल किया कि नहीं किया, और अगर होल्ड किया है क्या किया आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका कहना है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और स्टडी जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का पर्सनल स्टडी और रिसर्च है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलेंगे बहुत जल्द दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।